हाय गाइस, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि G5 को स्मार्ट या एंड्रॉयड टीवी में एक्टिवेट कैसे किया जाता है। बहुत ही आसान तरीका है, पूरी डिटेल में यहां पर बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का निशान है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, टीवी में G5 चालू करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे मोबाइल के अंदर इसे चालू करना पड़ेगा। तो चलिए हम चले जाते हैं प्ले स्टोर के अंदर और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर हमें सर्च करना है G5 और इसको हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। ये देखिए 39% 93, 97 ये इंस्टॉल हो चुका है। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप आसानी से टीवी में क्या करना है, मोबाइल में क्या करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर हम सीखेंगे। अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, अब इसे हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। ये आपके सामने आ गया G5 का ऐप। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का इंटरफेस है। अब ऊपर देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है, ऊपर लिखा है लॉगिन रजिस्टर फॉर बेस्ट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर हम लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पर हमें हमारा मोबाइल नंबर डालना है। चलिए यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है और यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि आप यहाँ पर अपना एक पासवर्ड बना लीजिए। चलिए यहाँ पर मैं एक पासवर्ड बना लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने पासवर्ड बना दिया है और पासवर्ड बनाकर यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो लॉगिन है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। मोबाइल में हमें जो काम करना था वो हो गया, मोबाइल में हमें लॉगिन करना था, हमने कर लिया। अब बात करते हैं टेलीविज़न की कि आपको टीवी में क्या करना है। टीवी में आपको कुछ नहीं करना है। टीवी में अगर आपके पास G5 का ऐप है तो उसे ओपन करना है और अगर आपके पास G5 का ऐप नहीं है तो आपको डाउनलोड करना है। चलिए चले जाते हैं गूगल प्ले स्टोर में और यहाँ पर हम डाउनलोड करेंगे G5 का जो ऐप है वो। और ये रहा G5, यू आर ऑफलाइन। तो मुझे अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ेगा। ये रहा हॉटस्पॉट, यहाँ से मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। और ऑन करने के बाद यहाँ पर हम बैक चले जाते हैं और यहाँ से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ये रहो वीवो 1804 कनेक्ट हो गया है। फिर से हम जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पे, यहाँ पर हम डाउनलोड करेंगे G5। ये रहा इंस्टॉल, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, ज़्यादा टाइम ये लेता नहीं है। ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ से हम इसे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, लॉगिन टू G5 या फिर एक्सप्लोर G5। तो हम यहाँ पर जो लॉगिन वाला ऑप्शन है उसी के ऊपर क्लिक करेंगे और हम इसको लॉगिन करना चाहते हैं। अब ये कह रहा है गो टू tvg5.com, लॉगिन टू योर अकाउंट, एंटर एक्टिवेशन कोड। तो आप tvg5.com की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं या फिर आप ये कर सकते हैं कि आपने जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया है आपके मोबाइल में, ये देखिए ये मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, तो यहाँ पर मैं ऊपर क्लिक करूँगा और ऊपर क्लिक करने के बाद मैं जाऊँगा सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आया है एक्टिवेट टीवी,
इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और ये जो टीवी में आपको कोड दिखाई दे रहा है ये वाला F96888, तो ये कोड आपको यहाँ पर डालना है। ये देखिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, कैपिटल F है, 96 है और 888 है। अब यहाँ से हम इसे नीचे एक्टिवेट है इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं, एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर देखिए यू कैन क्रिएट अप टू 5 प्रोफाइल, तो अभी इसको हम माई प्रोफाइल पर ही रहने देते हैं। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो G5 है वो यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको कुछ प्ले करके भी दिखा देता हूँ, जो फ्री का होगा वो प्ले कर लेंगे। ये लेटेस्ट हिंदी एपिसोड फ्री, ये G5 आपके सामने चालू हो गया। इसकी आवाज़ में कम रखूँगा क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू रहता है। ये देखिए यहाँ पर ये जो सीरियल है वो G5 पर चल रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपका स्मार्ट टीवी या एंड्रॉइड टीवी से जुड़ा कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर बताइए। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।